जिनके 95 या 95 से ज़्यादा परसेंटेज आई है, उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एजुकेशन दे रहे हैं, चाहे वो मेडिकल का स्टूडेंट है, चाहे वो मेडिकल नॉन मेडिकल का है, चाहे वो कॉमर्स का है, चाहे वो आर्ट्स का है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा चार्ज नहीं करेंगे, कोई पैसा हम चार्ज नहीं करेंगे। ये हमने डिसीजन बहुत सोच समझ के लिया है। नुकसान हो जाएगा बड़ा आपको, कोई बात नहीं सर, हम नुकसान सहने के लिए तैयार हैं। अब ये भी कह सकते थे कि जिन जो गरीब लोग हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते, बीपीएल हैं या जी जी, 95 वाला क्यों? ये चीज बच्चे के दिमाग में कभी जहन में ये चीज आए कि मैं फ्री में पढ़ रहा हूँ, क्यों? क्योंकि वो फ्री में नहीं पढ़ रहा, वो अपने कैलिबर से यहाँ तक पहुंचा है। हम उन बच्चों के कैलिबर को यहाँ तक लेके आए हैं, कॉन्फिडेंस से आए, रिस्पेक्ट के साथ आए, डिग्निटी के साथ आए, ये नहीं लगे कि मुझ पे एहसान किया जा रहा है, मुझे फ्री पढ़ाया जा रहा है, उसको ये लगे कि मैंने ये पढ़ाई अर्न की है, अर्न की है, मैंने ये चीज हासिल की है। अब हर बच्चा जो है लाखों रुपया नहीं दे सकता, हजार भी नहीं दे पाता, तो बट उन बच्चों में कैलिबर बहुत होता है, वो चाहते हैं कि हम अच्छे पढ़े, अच्छी एजुकेशन हासिल करें, अपने नाम रोशन करें, बट वो तालीम वो उनको नहीं मिल पाता। अगर आपने ये फैसला सोच समझ के किया है? बिल्कुल सर, सोच समझ के। नफा नुकसान देखा है इसमें? सर मुझे कोई नफा नुकसान नहीं देखना, मुझे सिर्फ बच्चों की एजुकेशन देखनी है। 10th का रिजल्ट आउट हुआ, बड़े बच्चों ने टॉप किया, हमने भी कुछ बच्चों के इंटरव्यू किए, और मैं ढूंढ रहा था जम्मू प्रोविंस की टॉपर को, वो कौन है। आज मेरी उससे बात हुई, उधमपुर की रामनगर में रहने वाली, बडोल विलेज में रहने वाली रितिका शर्मा से। मैंने रितिका से पूछा, आपने 500 में से 499 नंबर लिए हैं, सिर्फ एक नंबर का, पूरे जम्मू प्रोविंस में इस बेटी ने टॉप किया है। उधमपुर से आगे रामनगर, उधमपुर से 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पे है, ये रिमोट एरिया है। मैंने बोला, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? उसने बोला, सरकारी स्कूल में। मैंने कहा, ट्यूशन? उसने कहा कि मैं चाहती थी कि सभी सब्जेक्ट की ट्यूशन लूं, लेकिन एक की ही ले पाई। उसके पिता पीडब्ल्यूडी में डेली वेजर हैं। रितिका ने बड़े अच्छे से मुझसे बात की, लेकिन ऐसी और कई बच्चे होंगे, ऐसे और कई रितिकाएं होंगी जिनमें इंटेलिजेंस कूट कूट के भरी है, कैलिबर है उनमें। अब 10th के बाद वो क्या करेंगे? आगे 11th है, 12th है। ये वीडियो आपके लिए है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। जिस बच्चे ने 95% या उससे ज्यादा मार्क्स लिए हैं रिसेंटली, जो मैट्रिक का रिजल्ट निकला है, किसी भी स्ट्रीम में, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स, आपकी ट्यूशन का इंतजाम कर दिया गया है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, सभी सब्जेक्ट, आपको कोई पैसा नहीं देना है। शर्त सिर्फ एक है, आपकी परसेंटेज 95% या उससे ज्यादा हो। ये फैसला किया है ICA ने, ICA स्टडी एंड कोचिंग सेंटर। इनकी चार ब्रांचेस हैं, एक शास्त्री नगर में है, एक कच्ची छोनी में है, दो अलग अलग लोकेशन में है, जानीपुर में है एक, एक कहीं और है, वो सब मैं आपको जानकारी दूंगा। इन सभी ICA के स्टडी एंड कोचिंग सेंटर में जिन बच्चों ने भी 95% या उससे ज़्यादा मार्क्स लिए हैं, आप लोगों के लिए 11th की ट्यूशन बिल्कुल फ्री है ना, इंफॉर्मेटिव, कहीं वो कैलिबर दब के ही ना रह जाए। उस कैलिबर में जान डाल दी ICA ने। ये मेरे साथ हैं राहुल साहब हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। ICA रन करते हैं। जी सर। राहुल साहब, क्या अनाउंसमेंट है आपकी तरफ से, और इतनी बड़ी अनाउंसमेंट? सबसे पहले मैं फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कहना चाहूंगा स्टेट सेंटिनल चैनल को कि इन्होंने टाइम निकाल के हमारे यहाँ पे आए, एंड दूसरा कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने 10th में अच्छे मार्क्स क्योर किए हैं। मैं राहुल सूरी, आई एम द MD ऑफ ICA स्टडी एंड कोचिंग सेंटर। बेसिकली हमने ये चीज़ डिसाइड की है कि हमारे जो इंस्टीट्यूट में जिन बच्चों के 95% से ज़्यादा मार्क्स आए हैं या जिनके 95 या 95 से ज़्यादा परसेंटेज आई है, उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एजुकेशन दे रहे हैं, चाहे वो मेडिकल का स्टूडेंट है, चाहे वो मेडिकल नॉन मेडिकल का है, चाहे वो कॉमर्स का है, चाहे वो आर्ट्स का है, किसी भी स्टूडेंट जो है किसी भी स्ट्रीम का होगा उसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कोचिंग दी जा रही है। हमारा ये
फैसला लेने का सबसे मेन कारण ये है कि जैसे आपने अभी बात की कि एक रितिका शर्मा लड़की है उधमपुर से, वो पूरी तरह से एजुकेशन नहीं ले पाई. क्यों? क्योंकि उसके पास सोर्सेज नहीं थे. उसके फादर एक नॉर्मल जॉब करते थे कि वो पढ़ नहीं पा रही थी. ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि हमारे जम्मू में जो बच्चे कैलिबर हैं, जिनके पास अच्छा टैलेंट है, जो इतनी फीस नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, उनका टैलेंट जो है दबा हुआ है, हम चाहते हैं उस टैलेंट को आगे उभारना चाहते हैं. वो बच्चे हमारे पास आएँ, हम उनको एक अच्छी शिक्षा जो है वो देना चाहते हैं, ताकि हम भी सोसाइटी के लिए कुछ जो है वो कर सकें. आप देखिए आज के टाइम पे रविंदर जी की कहीं भी आप जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे चार्जेस लिए जाते हैं. बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे जम्मू में, बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स भी हैं, जहाँ पे लाखों रुपए के हिसाब से फ़ी दी जाती है. अब हर बच्चा जो है लाखों रुपया नहीं दे सकता, हज़ार भी नहीं दे पाता. तो बट उन बच्चों में कैलिबर बहुत होता है. वो चाहते हैं कि हम अच्छे पढ़ें, अच्छी एजुकेशन हासिल करें, अपने नाम रोशन करें, बट वो तालीम वो उनको नहीं मिल पाता. आपको लगता है कि यही एक कारण है कि जो आने वाले दिनों में जहाँ भी हम देखते हैं कि जो भी अफसर बनते हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस आईपीएस बनते हैं, ये सभी वेल सेटल घर से होते हैं. गरीब का आदमी कभी नहीं बनता, क्योंकि उसके पास वो रिसोर्सेज नहीं होते. तो आपको लगता है कि आपका ये मूव जो है वो उनके लिए एक बूस्ट करेगा? बिल्कुल सर, मैं चाहता हूँ कि हमारे इंस्टीट्यूट में उन बच्चों को लिए हमारे डोर्स ओपन है, जिन बच्चों की इतनी अच्छी परसेंटेज आई है और वो नहीं पढ़ पा रहे हैं. बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा चार्ज नहीं करेंगे, कोई पैसा हम चार्ज नहीं करेंगे. ये हमने डिसीजन बहुत सोच समझ के लिया है. नुकसान हो जाएगा बड़ा आपको? कोई बात नहीं सर, हम नुकसान सहने के लिए तैयार हैं, बट हम इस नुकसान को तब भूल जाएंगे जब हमारे इंस्टीट्यूट से निकला हुआ बच्चा एक बहुत ऊंचाइयों पे जाएगा. वो हमें याद करेगा कि हम आईसीए से पढ़े थे और हमारे इस लेवल तक हम पहुंचे हैं. मुझे कम से कम रात को नींद जो है वो सुकून की पड़ेगी कि मैंने अपनी सोसाइटी के लिए कुछ काम किया. मेरे पास बच्चा पढ़ा हुआ जो है वो कहीं लेवल तक पहुंचा है. क्योंकि पैसा हर चीज़ नहीं है रविंदर जी, पैसा बहुत जरियों से कमाया जाता है, बट एक सोसाइटी के लिए जो एक इनिशिएटिव होता है वो बहुत ज़रूरी होता है आज की डेट. अब सवाल ये है राहुल साहब यहाँ की, एक तो आपका यहाँ मैं बैठा हूँ दूरदर्शन मंदिर के बिल्कुल सामने, आपका शास्त्री नगर में ये आईसीए का इंस्टीट्यूट है. हम नंबर भी डाल देंगे आपका, आपको कॉल्स भी आ जाएंगे. एक आपका कच्ची शोनी में है जी, एक आपका जानीपुर में है, चौथा और हम फोर्थ अभी प्लान कर रहे हैं कि हम तालाब तिल्लो में भी शायद ओपन कर रहे हैं. ड्यू टू कोरोना की वजह से 2 साल थोड़ा सा प्रॉब्लम रही, तो मे भी हम शायद तालाब तिल्लो में. लेकिन आपकी जो अनाउंसमेंट है ये सभी ब्रांचेस के लिए, ये ऑल ब्रांचेस के लिए अभी फिलहाल 3 रनिंग में है. फोर्थ वाली हमारा प्रपोजल है कि हम मे भी फोर्थ वाली भी हम जल्दी स्टार्ट करें. अब एक सवाल और है यहाँ पे राहुल साहब, आखिर क्यों, और आपने ये क्यों कहा कि जिनके 95% है उससे ज़्यादा है. आप ये भी कह सकते थे कि जिन जो गरीब लोग हैं अफोर्ड नहीं कर सकते, वीपीएल हैं या जी 95 वाला क्यों? सर मैं आपको सबसे पहले ये चीज़ बताना चाहूँगा कि हमने ये इनिशिएटिव 95 या 95 से ज़्यादा के लिए इसलिए लिया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो बच्चा हमारे पास पढ़ने आए वो ये नहीं बोले कि, क्योंकि आजकल आपको पता है लोग शिक्षा खरीदते हैं, तो वो ये भी नहीं सोचे कि मैंने शिक्षा खरीदी है. वो बोले वो मतलब एक कॉन्फिडेंस अच्छा से आए, रिस्पेक्ट के साथ आए, डिग्निटी के साथ आए. ये नहीं लगे कि मुझ पे एहसान किया जा रहा है, मुझे फ्री पढ़ाया जा रहा है. उसको ये लगे कि मैंने ये पढ़ाई अर्न की है, मैंने ये चीज हासिल की है और मुझे तभी आईसीए ने मुझे बोला है यहाँ आने के लिए और मैं यहाँ आया हूँ, मैं काबिल हूँ. कॉन्फिडेंटली वो मतलब बिल्कुल सामने खड़े होकर बात कर सके. उसको कभी भी उस बच्चे को या उस बच्ची को कभी ये ना लगे कि मैं यहाँ पे मुझे फ्री पढ़ाया जा रहा है, मुझ पर ये एहसान कर रहे हैं, एहसान कर रहे हैं. ये चीज मैं कभी नहीं चाहता और ना ही मेरी फैकल्टी चाहेगी कि हम ये चीज बच्चे के दिमाग में कभी जहन में ये चीज आए कि मैं फ्री में पढ़ रहा हूँ. क्यों? क्योंकि वो फ्री में नहीं पढ़ रहा, वो अपने कैलिबर से यहाँ तक पहुंचा है. हम उन बच्चों के कैलिबर को यहाँ तक लेके आए हैं, आईसीए में उन बच्चे के कैलिबर को है उठाया है और यहाँ पे लाया है आपके चैनल के माध्यम से. बहुत बढ़िया, आपकी सोच को भी सलाम है और मुझे नहीं लगता कि कोई इंस्टीट्यूट ऐसा कर रहा है. चलिए सर, वो हर एक का, मैं तो चाहता हूँ कि अगर आपने ये फैसला सोच समझ के किया है. बिल्कुल सर, सोच समझ के. नफा नुकसान देखा है इसमें? सर मुझे कोई नफा नुकसान नहीं देखना, मुझे सिर्फ बच्चों की एजुकेशन देखनी है. और मैं चाहता हूँ कि ये जो स्टेप मैंने उठाया है जम्मू में, ये स्टेप बाकी इंस्टीट्यूट भी उठाएं तो हमारे जम्मू कश्मीर में क्या, हमारे बाहर भी, जम्मू कश्मीर से बाहर भी जितने भी हमारे स्टेट्स हैं सब में अगर ये इनिशिएटिव उठाया जाए तो शायद आने वाले कई सालों में हमारे देश से जो है अनएजुकेटेड एजुकेशन जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी.
बिल्कुल जो है लोग पढ़े लिखे निकलेंगे, ऑफिसर्स निकलेंगे और हमारे इंडिया का भी जो है नाम रोशन होगा। शुक्रिया राहुल साहब हमसे बात करने के लिए। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा इसमें, राहुल साहब ने जब मुझे कॉल किया उन्होंने बताया कि रविंद्र साहब हम ये चीज़ करने जा रहे हैं कि 95% और उससे अबव जितनी बच्चों की परसेंटेज है उन सबको हम फ्री में कोचिंग देंगे 11th की, किसी भी स्ट्रीम से हो, किसी भी सब्जेक्ट, चाहे वो सभी सब्जेक्ट पढ़े यहाँ, बिल्कुल बिल्कुल टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अब राहुल साहब ने मुझे ये कहा कि जाहिर सी बात है इसमें ICA का नाम आएगा, एक ट्यूटोरियल का नाम आएगा, ये चार्जेस पे करने के लिए तैयार थे, ये मैं दुनिया के सामने ये लाना चाहता हूँ लोग मेरे पास आए, माध्यम मीडिया है, अगर मैं छत पे खड़े होकर चिल्लाऊंगा तो मेरी आवाज़ ज़्यादा लोगों के पास नहीं जाएगी, आपके माध्यम से जाएगी, ये इसके लिए पे करने के लिए तैयार थे। फिर मैंने अपने ऑफिस से बात की, ICA ने ऐसा कहा है कि वो ये करने जा रहा है, आप उनसे डील कर लीजिए, बात कर लीजिए। मेरे ऑफिस ने कहा कि ऐसी कवरेज के लिए हम कोई पैसा चार्ज नहीं करते हैं। अगर राहुल साहब और ICA 95% जिन बच्चों ने मार्क्स लिए हैं उससे ज़्यादा भी लिए हैं उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहे हैं, सोसाइटी को कुछ रिटर्न कर रहे हैं, ये उन बच्चों के लिए सौगात है जिनमें कैलिबर तो है लेकिन शिक्षा खरीदने के लिए पैसे नहीं, उन बच्चों के लिए सौगात है। अगर ICA ये कर सकता है तो स्टेट सेंटिनल कभी पीछे नहीं रहेगा। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।